स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन। देखिए कंट्राडिक्शन का एक तो परिकल्पना थे टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी में क्या था कि सारे का सारे अगर हमारा आउटपुट्स टी टी ट्रू ट्रू आ जाए तो टॉटोलॉजी था। लेकिन कंट्राडिक्शन हम किसको कहेंगे, कंट्राडिक्शन जिसमें अगर सारे के सारे आउटपुट फॉल्स आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। तो जैसे एक यहां पर क्वेश्चन है कॉन्ट्राडिक्शन के लिए कि ट्रूथ टेबल आप बना के देखिए, ट्रूथ टेबल किसका बनाना है, तो पी एंड नेगेशन ऑफ पी का। तो देखिए सबसे पहले हमको एक ही स्टेटमेंट लेना है पी, तो पहले हम पी ले लेंगे, उसके बाद क्या ले लेंगे, नेगेशन ऑफ पी, और उसके बाद पी एंड इसको कंजक्शन बोलते हैं पी। पी के लिए क्या मानेंगे, वन या जीरो, बस दो ही और तो कुछ नहीं था। नेगेशन के लिए क्या करते थे, इसको उल्टा करते थे, तो वन का जीरो और जीरो का वन। अब दोनों में क्या करना था, इंटरसेक्शन यानी मल्टीप्लाई, वन इंटू जीरो जीरो और जीरो इंटू जीरो जीरो और जीरो क्या बोलते थे, फॉल्स। तो सारे के सारे ये क्या आ गए, फॉल्स। इसका मतलब कि ये जो ट्रुथ टेबल था ये था कंट्राडिक्शन का, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो क्या क्या हम लोग देख लिए, कंजक्शन, डिसजंक्शन, कंट्राडिक्शन, टॉटोलॉजी, इम्प्लीफिकेशन, ठीक है, उसके बाद था बाय इम्प्लीकेशन। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। अब है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पहले करते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंटिजेंसी। क्वेश्चन है सो दैट द कंपाउंड स्टेटमेंट स्टेटमेंट पी इम्प्लीकेशन क्यू कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू इज अ कंट्राडिक्शन। प्रूफ करना कि ये जो आपका आएगा ये कंट्राडिक्शन आएगा, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमको पी और क्यू पहले निकाल लेना पड़ेगा। तो देखिए एक पी ले लेंगे और एक क्यू ले लेंगे, फिर इसके बाद नेगेशन पी की जरूरत पड़ेगी, नेगेशन क्यू की जरूरत पड़ेगी, फिर हमको पी और डिसजंक्शन नेगेशन पी जरूरत पड़ेगी, उसके बाद हमको क्यू कंजक्शन नेगेशन क्यू की जरूरत पड़ेगा, और फिर लास्ट में हमको जरूरत पड़ेगा पूरे स्टेटमेंट को। तो हम पूरे स्टेटमेंट को इस प्रकार से लिख लिए और हमको इसमें प्रूफ करना है कि सब में फॉल्स फॉल्स आ जाए। देखिए वन 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 जीरो जीरो वन जीरो जीरो, मान ली नेगेशन पी वन का जीरो जीरो का वन जीरो का वन मान के चलेंगे, क्यू रहता तो वन का जीरो जीरो का वन का जीरो और जीरो का वन। अब इस दोनों को हमको क्या करना है, प्लस करना है। तो वन प्लस जीरो वन, वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस वन वन और जीरो प्लस वन वन, सब वन आ गया। अब हम क्यू और इसको करना था, तो वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस वन वन, सॉरी इंटरसेक्शन था, तो क्या होगा वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन सॉरी जीरो, वन इंटू जीरो जीरो और जीरो इंटू वन जीरो आ गया। अब इस दोनों से हमको कराना था इसके लिए, तो वो बताए थे कि जो अगर मिलेगा तो वन रखना है, लेकिन दोनों में कोई नहीं मिल रहा था तो कोई तो वन नहीं होगा। अब तक किसके तरफ खुला हुआ है, इसके तरफ, जो इसके तरफ हेडेड है तो इसका बात मानेगा, यानी इसी वाला डायरेक्ट सब यहां पर हम लिख देंगे, और ये जीरो को क्या बोलते हैं, फॉल्स बोलते हैं। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या आ गए, फॉल्स। इसका मतलब कि ये ही हो गया कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो फिर कंट्राडिक्शन हम लोग पढ़ लिए, यही था कंट्राडिक्शन। अब है कंटिजेंसी, तो कहता है कि कोई ऐसा कंपाउंड स्टेटमेंट हो जो कि टोटोलॉजी भी ना हो और कंट्राडिक्शन भी ना हो, तो उसको बोलते हैं कंटिजेंसी। मतलब कि फेट करके आ जाए, फेटने का मतलब क्या हुआ कि कुछ फॉल्स हो जाए कुछ ट्रू आ जाए, मतलब
एक ही बात ऐसी ना हो कि सिर्फ फॉल्स और फिर सिर्फ ट्रू, ऐसा ना हो, ठीक है। 50-50 आए या फिर कोई भी एक अगर इधर उधर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कंटिंजेंसी, वो कभी भी हो सकता था। तो देखिए कंटिंजेंसी कौन हो सकता है, एक ट्रुथ टेबल बनाइए जैसे पी क्यू इसका, तो क्या होगा यहां पर ले लेते हैं पहले पी, फिर क्या होगा क्यू, अब फिर लेना पड़ेगा क्यू और यहां पर लेना पड़ेगा ऐसे, कैसे करें पहले ले लेते हैं इसको और उसके बाद क्यू का और लास्ट में हम इसको बनाते हैं 1 1 1 0 0 1 0 0। अब इन क्या था ये प्लस का, 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 और क्या होगा 0, इसको लटना 1 का 0 0 का 1 1 का 0 0 का 1। अब देखिए मिल नहीं रहा है तो किसका वाला, इसके वाला काम करेगा, मिल रहा था 1, नहीं मिल रहा इसके जैसा काम करेगा, नहीं मिल रहा इसके जैसा काम करेगा। तो इसमें क्या था कि ना ही इसमें सबके सब ट्रू है और ना ही सबके सब फॉल्स है, तो ये क्या कहलाएगा, कंटिंजेंसी कहलाएगा। अब है लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, यानी कुछ ऐसे स्टेटमेंट होगा जो देखने में नहीं लगेगा कि दोनों का वैल्यू सेम आएगा, लेकिन आपको कुछ वैल्यू दोनों का सेम आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पर लेके चलते हैं कि लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट में क्या क्या आ सकता है, लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल में है कि एक बनाना है कि पी कंजक्शन क्यू, ये आपका इक्विवेलेंट होगा किसका, तो क्यू कंजक्शन पी का। देखिए ऐसे सबसे पहले क्या करते हैं, पी मानते हैं, फिर क्यू मानेंगे, पी कंजक्शन क्यू लेंगे और उसके बाद क्यू कंजक्शन पी लेंगे। पी में 1 1 1 0 0 1 0 0, इसका मतलब क्या है, इंटू, इसका मतलब 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0। यहां पर जब इंटू करेंगे इसके तो इंटू है, पहले क्या उल्टा इंटू करेंगे, तो इंटू में कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, तो भी क्या हो जाएगा 0 0 0, यानी ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो इसका मतलब कि दोनों का दोनों क्या है, दोनों का आउटपुट एक जैसा आया, इसका मतलब कि दोनों के दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट, दोनों क्या थे, लॉजिकली इक्विवेलेंट थे, कि दोनों में जो भी आया पी इंटरसेक्शन मतलब पी कंजक्शन क्यू का वही वैल्यू आएगा क्यू कंजक्शन पी का। अब उसी पर एक क्वेश्चन और शो करके दिखाना है, एक है पी इंप्लीकेशन क्यू, ये इक्विवेलेंट है किसका, नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन ऑफ क्यू का। तो देखिए पी मान लेते हैं, क्यू मान लिए, फिर यहां पर निकाल लेते हैं ये पी इंप्लीकेशन क्यू, अब क्या मान लेंगे पी निकाल देंगे, इसके बाद पी और डिसजंक्शन क्यू निकालना है और ये दोनों को देखना है कि इक्विवेलेंट आता है या नहीं। इसको 1 1 1 0 0 1 0 0, मिल रहा था 1, मिल रहा था 1, नहीं मिला तो क्यू, क्यू का ऐसा होगा तो 1 और 0। चलिए पी के लिए देखेंगे तो 1 का 0 1 का 0 और 0 का 1 0 का 1। अब दोनों को क्या करना था, इसको और क्यू को दोनों को प्लस करना था, तो 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 1 प्लस 1 1 और 0 प्लस 1 1। देखिए तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर, इसका मतलब कि ये वाला भी लॉजिकली इक्विवेलेंट था। अब है कुछ स्टेटमेंट्स का रूल, जैसे यहाँ पर पिछले वाले में देखे थे कि इनटू किए थे मतलब कंजक्शन किए थे पी और क्यू का, फिर क्यू और पी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे को बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। तो कुछ है स्टेटमेंट्स का लॉ, हम उसको देख लेते हैं। तो यहां पर होगा लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट,
फर्स्ट में कमुटेटिव ला, इसमें क्या होगा, जैसे P डिसजंक्शन Q लिए तो ये इक्विवेलेंट होगा Q डिसजंक्शन P का, मतलब पहले कौन है इससे कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। ठीक है, अब को ये है इसमें कि अब दोनों का ट्रूथ टेबल क्या करना है, बना करके दिखाना है। इसके बाद सेकेंड में है कि अगर हम इसको कंजक्शन करें तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि पहले P है कि पहले Q है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव इसमें ब्रैकेट का कंसेप्ट आता है, जैसे P का डिसजंक्शन Q है और इसके बाद डिसजंक्शन ही R है, तब यहां पर क्या होगा कि ब्रैकेट यहां रखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम यहां पर क्या करते हैं, हटा करके अब ब्रैकेट अब रख देते हैं यहां पर, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो कहते हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड में मैंने ब्रैकेट यहां से उठा करके ब्रैकेट यहां पर कर दिए, उसी प्रकार से हम आगे भी चलेंगे इसमें, तो एसोसिएटिव है लेकिन यही अगर डिस्ट्रीब्यूटिव रहेगा तो प्रभाव पड़ेगा, तो यहां पर भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे इसको और क्यू कंजक्शन आर लिख देंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव होगा तो यहां पर प्रभाव पड़ेगा कि जब हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो ये वाला पलट जाएगा। ठीक है, ये रहेगा लेकिन पलट जाएगा एक अंदर पे कि कंजक्शन रहेगा तो डिसजंक्शन और डिसजंक्शन रहेगा तो कंजक्शन हो जाता है, वो किस में, डिस्ट्रीब्यूटिव में। तो देखिए देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव P कंजक्शन Q डिसजंक्शन R से है। देखिए इसको से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये जो कहते रहेगा, अब यहां से क्या जाएगा ये वाला और यहां से आ जाएगा P कंजक्शन R। सेकेंड में अगर P डिसजंक्शन है Q कंजक्शन R, तब यहां से क्या होगा P डिसजंक्शन Q, अब ये वाला P डिसजंक्शन R, यानी इससे मल्टीप्लाई किया जा रहा था तो इसको से मल्टीप्लाई कर दिए। अब आता है इडम्पोटेंट, इसका मतलब ये है कि किस से कंजक्शन या डिसजंक्शन करें कि वही प्राप्त हो जाए। जैसे अगर हम यहां पर P को कंजक्शन करें या डिसजंक्शन करें हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, P, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये इडम्पोटेंट कहलाता है। ठीक है, या आप ऐसे भी कंजक्शन ले सकते हो तो भी क्या आ जाएगा, P ही आएगा, तो इडम्पोटेंट। मतलब अगर इसे हम गुना की बात करते तो P में क्या चीज से गुना करें कि हमारा मिल जाए P, तो बोलेंगे वन, तो यहां पर ये क्या कहलाएगा, ये रिलेशन इडम्पोटेंट रिलेशन कहलाता है। अब है डी मॉर्गन्स देखिए क्या होता है, डी मॉर्गन्स में जैसे नेगेशन बाहर में है और अंदर में ये है तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहां पर क्या होगा, ये नेगेशन अंदर जाएगा ना तो सब पलट देगा, नेगेशन का मतलब क्या है, पलट देना, तो यहां पर पलटेगा तो होगा ये हो जाएगा, अब ये जो डिसजंक्शन था बन जाएगा कंजक्शन में और यहां पर क्या हो जाएगा क्यू, यानी ये पलट जाता है। सेकेंड में चलेंगे, अगर मान लें कि इसी प्रकार से कंजक्शन दिया हुआ था तब क्या होगा, तो ये पलट जाएगा डिसजंक्शन में हो जाएगा और इस प्रकार से हम डिमॉर्गन्स लॉ लिख सकते हैं। अब सिक्स में है आइडेंटिटी, जैसे हम पी है और इसमें डिसजंक्शन करते हैं फॉल्स से, तो याद रखेंगे हमेशा क्या मिलेगा पी, यानी यहां पर क्या होगा आइडेंटिटी पी एफ होगा। दूसरा अगर मान लेते हैं कि हमारा पी था और इससे हम अगर इंटरसेक्शन करते हैं, मतलब ये कंजक्शन करते हैं फॉल्स से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, याद रखना है। इसी प्रकार से अगर हम P है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ देखिए अगर P है और यहां पर हम ट्रू से क्या करते हैं
डिसजंक्शन करते हैं तो यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा, टी, और यहां ट्रू है, सब में ट्रू, और यहां पर पी था, और यहां पे कंजक्शन करते हैं ट्रू के साथ, तब यहां पर प्राप्त होगा कौन, पी, यानी कम। इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, देखिए कैसे देख लेते हैं तुरंत। इसके लेते हैं पी और यहां पर फॉल्स, पी में वन या जीरो होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, हमेशा जीरो। इसमें जब ही यहां पर क्या बोला कि पी और ये डिसजंक्शन करो, मतलब जोड़ो, तो 101 होगा और 0+0 0 होगा, मतलब 10 किसके वैल्यू था, तो ये था P का, तो इसके वैल्यू क्या आ गया, P के बराबर। वही अगर इंटरसेक्शन होता ऐसे, इंटरसेक्शन का मतलब क्या यहाँ पर है, कंजक्शन होता, तो यहाँ पर क्या करते, इंटू होता, तो 1 × 0 0 और 0 × 0 0, ठीक है। इसी प्रकार से अगर ट्रू हम लिए होते, एक को था ट्रू, तो ट्रू ट्रू हो जाता। तो इस केस में अगर पी और ट्रू लेते हैं और फिर कंजक्शन ट्रू लेते हैं, तो देखिए 1+2 यानी यहां पर 1 1 लिखना पड़ेगा, 1 1 0 1, और यहां पर देखते हैं तो गुना करते तो 1, और यहां पर क्या होता 0। तो देखिए ये किस का वैल्यू था, तो ये था ट्रू का, और ये किस का था, तो ये था पी का। तो जैसे ये वाला किया तो ट्रू आ गया, और ये किया तो क्या आ गया, पी, है ना। तो ये था कुछ, अब है लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्स ला, ये ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ही तक काफी रहेगा। लास्ट में है कॉम्प्लीमेंट लॉ, पी में किस चीज से हम इससे अगर करते हैं डिसजंक्शन तो क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा ट्रू सभी में। इसी प्रकार से अगर हम पी में कंजक्शन करते हैं नेगेशन ऑफ पी से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, फॉल्स। थर्ड में नेगेशन है और नेगेशन पी है, तो क्या प्राप्त होगा, सिर्फ पी प्राप्त हो जाएगा। अगर यहां पर ट्रू था, अगर नेगेशन देंगे तो ट्रू क्या कर देंगे, पलट देगा, और पलटेगा तो क्या प्राप्त होगा, फॉल्स। इसी प्रकार से अगर यहां पर फॉल्स था, नेगेशन लेंगे तो इसको पलटने के बाद क्या प्राप्त होगा, ट्रू। इतना ही था, तो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसमें ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8, ठीक है, उसमें बनना ये से क्या होगा, ये तो था आपका IIT फाउंडेशन सीरीज के, लेकिन ये आपका जो होगा IIT फाउंडेशन सीरीज के साथ साथ CBSE पर भी फोकस रहेगा, ठीक है, और ज़्यादा इसमें मोस्टली कि क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है, बस, थैंक यू।